नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों वोडाफोन की तरफ से, असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये बताया नहीं गया है, किस रोल के लिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो भी बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ये जॉब हो, या हो सकता है वर्चुअल कस्टमर रिलेशनशिप की ये जो है वो रिक्रूटमेंट हो, या रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हों। यहाँ पे दोस्तों ये सारी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है ये जॉब वर्क फ्रॉम होम की हो। हालांकि ऐसा नोटिफिकेशन में जो है वो नहीं लिखा है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10+2 करी है, ग्रेजुएट हैं आप, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि फीस हम लोग पे नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो उनकी तरफ से आपको जो है ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि कब और कैसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से आपको नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप जो है आवेदन कीजिएगा। असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट है, अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करा गया है। फुल टाइम परमानेंट जॉब है ये, किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रहेगी। 15 से 20 हज़ार से लेकर 25 हज़ार तक आपको जो है इसमें सैलरी मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं बताया है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो है वो वोडाफोन तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपको अप्लाई करने के बाद क्रिएट करना पड़ेगा अपना अकाउंट, और अगर आपको समझ नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लॉगिन पेज आएगा, लॉगिन पेज के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करके क्रिएट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारी जानकारियाँ, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, अपना रिज्यूमे ऐड करने के बाद आपको सबमिट जो है वो कर देना है। और जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बाकी उसके बाद जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, जिनका प्रोफाइल उनको पसंद आएगा, जिनका रिज्यूमे उनको पसंद आएगा, उनको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या आपको जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, ये जो है वो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन होने वाली है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, जॉब की तलाश में, तो अपनी एप्लीकेशन आप वोडाफोन तक इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। इससे आपका डाटा जो है वो भी सिक्योर रहेगा और आपको किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आप अपनी एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।